कोई सवारी, कोई कार, कोई मोटर, कोई मंदिर, कितनी बड़ी बना हुआ आदमी को प्रॉब्लम नहीं रहता है। बोला तो बच्चे जो है खाने और बजरा सब्जी खा रहे हैं, ये बड़े होकर चले जा रहे हैं और बुढ़े भी खा रहे हैं बेचारे, लेकिन आपको पढ़ने में तो हर चीज कहते हैं, हर चीज के पीछे अल्लाह तबारक ताला की काम कर रही है। कहते हैं हमें अपना जो है ईमान बनाना है, हमारा ईमान जो बन जाए कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह से उठा रहा है। दिल के अंदर की बात जो है सिर्फ जबान की भोग पर नहीं, हमने जो कलमा पढ़ा है आज ये कलमा जो है सिर्फ हमारी जबान की भोग पर, तो असल क्या कहा जाता है कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिल का कलमा या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हमारे दिल का यकीन। तो कहते हैं यकीन जब यकीन सारे जब इंसान को हासिल हो जाता है तो फिर कहते हैं के उतारे जिंदगी गुजारना, कहते दीन को डुबकी थोड़ी बनाया जाता है, या दीन बुजुर्ग बनाओ तो दीन आसान है तो नहीं है दीन, लेकिन दीन आसान कब बनेगा जब हमारा यकीन जो है वो जितने भी अंबियाम आए हैं उन्होंने ईमान का सबक पढ़ाया है, सबसे बड़ा सबक यही है। ऐ लोगो ऐ इंसानो अल्लाह जात का यकीन जो है अपने दिल के अंदर, अल्लाह की जात से होने का यकीन अपने दिल के अंदर बैठा लो, तुम्हारा सारे मामले सही हो जाएंगे। दुनिया की चंद हो गया जिंदगी, जिसको आप समझते हैं कि यही मसला है, कहते हैं कि ये तो मसला मसला नहीं है, तो इम्तिहान है, मसाइल को अभी शुरू हो गए। मसाइल कहते हैं कि जिंदगी हमारे सबके आने वाली है, आकर वाली जिंदगी जो लामहदूद जिंदगी है वो खत्म नहीं होगी, और किसी की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा आखिरत की तैयारी के लिए, कि हमारा ऐसा ईमान कहते सबसे पहला वो चेकपोस्ट जो है वहां ईमान का ईमान का इंसान का जो चेकपोस्ट मन रखूंगा वमा दीनुगा वमन नबीनुगा हमारा इंसान को जो है रब का हर वक्त ईमान की हालत में रहना इंसान के लिए 2400 घंटे पर गए आमाल तो वक्ती है, जब जिस समय में वह जाएगा अल्लाह को तो रखना है, और ईमान की हालत में रहना तो इसको कहते हैं कि ईमान घटता बढ़ता रहता है, एक सदी पर नहीं रहता है, इसीलिए कहा गया कि अपने ईमान की तस्दीक करके रहा करो, ईमान जुआना हो जाता है। जैसा कि कपड़ा पुराना हो जाता है, वचन के नाते निगाह पुराने हो जाते हैं, ऐसे ही जो है ईमान पुराना हो जाता है, और सहाबा भी ईमान की तजदीद करते थे, आदर करते थे, आगे आओ आ जाओ करते रहते गैर का तस्कर कहते हैं तो आवाज से गायब है, अगर गैर अगर तो आ नहीं रहा है तो हम अगर उसको ध्यान नहीं करेंगे, उसको कहेंगे नहीं, आपस में बोलेंगे नहीं और उसका चर्चा नहीं करेंगे तो वो हम तो गायब है, तो जो सामने है सारी सलाहियत आदमी जो देगा
इसी में कहा गया कि यदि बाघ के दया के तस्करे किए जाए खूब इतना दया का तस्करा हो आदरत का अभ्यंतर दुर्गत का और वहां के मामला का अक्षर का इतना तस्करा हो इतना तस्करा हो कि आफत जो है हमारे मुस्तहजर हो जाए और इंसान उनको सामने रख के जो है चल रहा हो हुआ भाई गवर्न में क्या होगा असल में क्या होगा हिसाब किताब में क्या होगा गुजरात में कैसे गुजरेगा और अल्लाह के साथ में कैसे खड़ा होगा कहते हैं कि पानी को मुकाबला एहसान करता है मुझे एक तरह का एहसान वो आवक तार बताना है तो इन बातों को मुकाबला करता रहे याद करता रहे सारी चीजों को बार बार ये जो मुकाबले की मैनेजर साहब की जाती है इसी के लिए ये हमारे दिमाग की तरक्की का बहुत बड़ा जरिया है अगर हम ऐसी मैनेजरों से दूर रहेंगे करते रहेंगे तो हमारे दिमाग जो है वो रोक नहीं मिलेगा आज कभी तस्करा नहीं हो रहा है ज्यादातर जो है वो ईमान के खिलाफ ही बोला जा रहा है अरे ये बोल रहा है कि मां की जिंदगी बनेगी पौधे से जिंदगी बनेगी बिजली से जिंदगी बनेगी बैंक बैलेंस जिंदगी बनेगी क्या जादों से बनेगा ताकत से होगा हर जगह यहाँ पर तो उसके जो है सामने जब तक ईमान की दावत मजबूती के साथ नहीं अल्लाह से होगा सब कुछ करने वाली रात करने जगह अल्लाह की है और अल्लाह ताला ने कामयाब और नाकामयाब बनाने के लिए इन चीजों को जरिया नहीं बनाया यानी इंसान की कामयाबी और नाकामी को अल्लाह ताला ने चीजों से नहीं हुआ है इंसान की कामयाबी और नाकामी को अल्लाह तबारक ताला ने ईमान में जुड़ा है और आमाल में जुड़ा है जितने भी अल्लाह तबारक ताला के वादे हैं वो सारे के सारे जो है ईमान और आमाल के ऊपर के वादे वैसे जो गैर ईमान वाले हैं रोटी तो उन्हें भी मिलेगी जैसे जमीन पर जो है कोई पांव रखने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोटी अल्लाह तबारक ताला ने अपने जिम्मे में रोटी को सबको मिलेगी जल्दन होता है और रोटी का मिलना असल नहीं है असल क्या है कि अल्लाह तबारक ताला के इनामात हासिल हो जाए दुनिया और आखिरत हम लोग मानते नहीं और अल्लाह तबारक ताला के सारे इनामात उसके हुक्मों के अंदर है अल्लाह ताला जितने भी इनामात है वो कहां जुटे हुए हैं जितना इंसान अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अपनी जिंदगी को जो है लाता चला जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से अल्लाह तबारक ताला के इनामात की बारिश होगी जोर बारिश कहते हैं दूसरा डाल बारिश ये तो जन्नत में होगी और जबरदस्त तुम्हें दुनिया में हो ही नहीं सकती होगी क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के कलमे वाले को ईमान वाले को इतना बड़ा इनाम देने वाले हैं